नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम आए हैं राजसमंद में, और आज आप सभी को एक नया फार्म विजिट करवाते हैं जो काफ़ी दूर से आके अपने राजनगर ज़िले में बनाए। तो आपको इस फार्म की पूरी विजिट भी कराएंगे, और इस फार्म में नए नए घोड़े के साथ नए स्टेबल भी बनाए। तो इनमें क्या सुविधा वगैरह रखी है, तो इनके ओनर से अपन पूछेंगे और कौन है इनका ओनर, पूरी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, पहले तो आपका शुभ, वैसे गणेश जी को तो सब जानते ही हैं, हमारे इधर कोई बाकी नहीं है गणेश जी को, हॉर्स वर्ल्ड में सभी जानते ही हैं गणेश जी भाई साहब को। तो भाई साहब, आपका एक बार पूरा परिचय लेना चाहूँगा मैं। मेरा नाम है सौरभ सिंह। अच्छा। और मैं प्रॉपर वैसे शामली यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और अभी यहाँ पे आके ये स्टेबल बनाया है। तो आपको मतलब यहाँ पे क्या ऐसा विचार बन गया कि आप शामली से आके आपको यहाँ फार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी? असल क्या है, शामली का यूपी में हमारे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है जी जी वो बहुत एक्सट्रीम है, सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो जानवरों के लिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सर्दियों में भी बंद करवानी पड़ जाती है। अच्छा। भी ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ का प्रॉपर लगभग सेम रहता है। अच्छा। तो अभी जैसे अपने ये अभी नया फार्म बनाया पूरा, तो अभी कितने स्टेबल बनाए फार्म में लगभग? 12 बनाए। अच्छा। तो 12 स्टेबल में ही घोड़े जी? अभी फिलहाल 12 में घोड़े ज़्यादा हैं जी, स्टेबल थोड़े कम हैं, अभी चल रहा है काम और आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मतलब आगे और घोड़े लाने का विचार है आपका? ठीक है। तो जैसे अभी आपने ये काफ़ी सारे पूरे नए स्टेबल बनाए, तो इनमें आज के मुताबिक मतलब क्या आपने सुविधा इनमें इन्वॉल्व की है घोड़ों को देखते खाते? सबसे पहले ध्यान रखा है इसमें कि एनिमल के लिए स्पेस काफ़ी है। अच्छा। घूमना पड़ेगा आराम से, लेट बैठ सके, मौसम ख़राब है बाहर नहीं निकाल सकते तो भी वो अपना कंफर्टेबल रहे अंदर। अच्छा। और दूसरा एरिया है रूम काफ़ी, हाइट खूब ज़्यादा है, हाइट खूब ज़्यादा है, तो ऊपर बार बार हर मौसम में जैसे ऊपर घास वगैरह डालते थे वो डालना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब हाइट की वजह से ठंडा रहता है काफ़ी। और रूम की साइज भी बहुत अच्छी ली है। अच्छा, क्या साइज लगभग रूम की ली है? 20x14। अच्छा, 20x14 की साइज एक स्टेबल की। अच्छा, ये काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी साइज है, एक घोड़ा या बच्चा बच्चे वाली घोड़ी भी कंफर्टेबल रह सकती है। तो इसमें जैसे पानी की और दाने की जैसे काफ़ी जगह सुविधा करते हैं, तो आपने इसमें क्या सुविधा कर रखी है पानी और खाने के लिए? की तो चलो पानी की तो मैंने कोई जैसे पर्टिकुलर बना देता है कि पानी कलेक्ट रहता है उसमें। अच्छा। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो परमानेंट दिन में जो 4 बार 3 बार 5 बार पानी पिलाना है। अच्छा। तो लड़के उसी टाइम से पिलाएंगे। अच्छा, बाल्टी से ही पिलाएंगे। अच्छा, भर के नहीं रखोगे? भर के नहीं रखेंगे, उसमें क्या है अभी मौसम खराब है तो मक्खी मच्छर सब आते हैं। अच्छा। उसकी सफाई नहीं होती, रखा हुआ है, रखा है। तो भी अभी अपने पास टोटल कितने घोड़े हैं टोटल? अभी यहाँ पे मेरे पास लगभग छोटे मिला के 13-14 के करीब है। अच्छा। स्टेबल में 2 भी हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं, 3 भी हैं। अच्छा, तो और भी है जानवर मतलब? यही भी जानवर है, तो भाई साहब के यहाँ पे स्टेबल कर रखे हैं, जगह अभी प्रॉपर पूरी बन नहीं पाई है। अच्छा। चल रहा है अभी काम थोड़ा बहुत, फिनिशिंग का बचा हुआ। और घर पे भी है आपके? घर पे भी है 4-5-6 जानवर। अच्छा। तो अभी जैसे अपने पास मेन स्टालियन कौन कौन से हैं? अपने पास मेन स्टेलियन हुआ देवधन, देवधन का बच्चा, ये ज़्यादातर यूट्यूब पर जानते होंगे इसको, बहुत शो में मैं लेके गया हूँ। अच्छा, मतलब कितने शो का चैंपियन है ये? 9 शो में आज तक चैंपियन, थर्ड फोर्थ इसको। अच्छा, तो इसकी अभी जैसे स्टेट सर्विस वगैरह चालू कर दी है? स्टार्ट। ठीक है। तो इसकी क्या अगर कोई करवाना चाहे कवरिंग तो क्या? फिलहाल हमने 31,000 रुपये अच्छा रखी है, और आज तक इसे मुझे लगता है 5 या 6 घोड़ियाँ से शुरू है। अच्छा, कोई रिजल्ट वगैरह आया इसका? रिजल्ट नवंबर से स्टार्ट होंगे इसके अभी। अच्छा, और जो दूसरा स्टेलियन और भी है? जो दूसरा है ब्रह्मनाथ है। अच्छा। और एक अपने पास छोटा है अभी देवराम। अच्छा। घोड़ा था वैशाल के पास जो उसका बच्चा है, वो एक घोड़ी टप्पे ट्राई के लिए अपने पे ही तो लगभग मतलब हो सक रहा है जब तक, तो मतलब भाई साहब से ही गाइड नहीं ले रहे हो आप? बिल्कुल टोटल ही नहीं कि उस पर, अब मेरा तो यहाँ पे महीने में 1-2 बार आ गया, 2-3 दिन 4 दिन रुक गए। अच्छा। बाकी मैं हूँ अपना चले जाता हूँ, बाकी स्टाफ है, और भाई साहब की गाइडलाइन है जैसे जैसे
नजदीक है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। हाँ कोई नहीं है तो अभी कितना है स्टाफ अपने पास? अपने पास चार है। अच्छा, और सभी अपना जिम्मेदारी से काम करते हैं सर? बहुत टाइम से है। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी टाइम से है। और ऐसे नहीं है कि उनको भी शौक है घोड़ों का, इसलिए पहले से लगे हुए, बहुत छोटी एज से लगे हुए। अच्छा, फर्स्ट में मतलब आपके ही लगे और आपके ऐसे जो भी आज तक है जितने भी शो में ये नो में गया आज तक फर्स्ट टाइम से लेके और अब तक यही स्टाफ। हाँ सही है। तो चारा वगैरह व्यवस्था कहाँ से हो जाती है? खरीदना ही पड़ता है यहीं से, जो भी यहाँ खरीदना पड़ता है। अच्छा, एक बार लेकिन वो सब भाई साहब को अपने को इसलिए परेशानी नहीं हुई कि भाई साहब तो टिप्स पे है सब कुछ, कहाँ से चारा आना है कहाँ क्या है। तो वहाँ से अगर जो अपने ट्रैवल किया शामली से यहाँ आए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई होगी घोड़ों को ट्रैवल करा? प्रॉब्लम तो देखो बहुत होती, सोचना और करने में बहुत फर्क हो गया। सही बात है, लेकिन भाई साहब का साथ मिला जी जी, इनसे मिले तो कुछ भी परेशानी मुझे तो महसूस हुई नहीं। सही है, क्योंकि करना कुछ नहीं पड़ा। अच्छा ठीक, तो अभी मतलब लगभग काम चालू है अभी तक? तो चालू है अभी, और जगह खाली पड़ी हुई है साइड में। अच्छा, तो उसमें अभी स्टेबल वगैरह और डेवलप करेंगे। तो ये तो ये था कि एक बार स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो अपना मेरा भी वहाँ से काम चुके अपना यहाँ पे घोड़े वगैरह सब। अच्छा, अभी किया है जो ये 19 तारीख गई ना, गए महीने की। अच्छा, तो लगभग घोड़े वाले सभी आके गए? एक मैं आया हूँ फर्स्ट में। नहीं नहीं नहीं, घोड़े वाले सब आए आए, मित्र जो अश्व प्रेमी है देखो वो रोक के से भी नहीं रुकते, आ जाते देखने के लिए। नहीं, अपने मेवाड़ के तो करीब करीब सब आए, सब आए, सबको इनोग्रेशन में इनवाइट किया था, सब आए थे। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे और फर्स्ट वीडियो आपका ही बन रहा है। अच्छा, क्या था बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम किया, एकदम डेट आई उसकी। जी जी जी, तो इसलिए कोई ज़्यादा लोगों को हम लोग इन्वाइट नहीं कर पाए, सबको थे उन सबको इन्वाइट किया तो आए सब लोग। नहीं बाकी सब आ जाएंगे वैसे, कहाँ जाएंगे, धीरे 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 धीरे। तो अब सर जैसे आगे का क्या प्लान है आपका भाई? अब आगे ये करना है, ब्रीडिंग ही करनी है? ब्रीडिंग ही करनी है। अच्छा, अपनी घोड़िया है और घोड़िया कुछ देखे अपने स्टेलियन तैयार है अपने पास। तो अभी घोड़िया कितनी है अपने पास? घोड़िया मेरे पास सात है अभी, सात है सब ब्रूड मेरी है ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, बाकी बच्चे भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, रिंग के लिए बच्चे भी तैयार कर रहे हैं। तो आपको सर ये कैसे शौक लगा? शौक तो बचपन से था। अच्छा, लेकिन क्या है अपने यूपी में थे वहाँ पे ज्यादा घोड़ा वोड़ो का कोई वो क्रेज नहीं, क्रेज नहीं तो कुछ मालूम नहीं था, तो इसलिए कभी रख लिए कभी दे दिया, फिर कभी राइडिंग का शौक था पहले, तो धीरे धीरे ये होता हुआ यहाँ आए, जब भाई साहब के पास आने हुआ और आने के बाद आए तो ऐसे ही थे, ये बच्चा लिया और उसने पूरी सब इसी पे मेन मतलब फर्स्ट में आपने भाई साहब से शुरुआत की थी? वैसे घर पे रखे हुए थे पहले बहुत, की राइडिंग के लिए कोई भी घोड़ी नहीं ली। अच्छा अच्छा, ब्रीडिंग और ये मार्केटिंग का जो क्वालिटी और शो का था स्टार्ट, उसके बाद में वो मतलब देवदन से ही स्टार्ट किया आपने? बस सिखाया सबको वहाँ पे जाके शो में जाने के बाद में। सही है सही है सही। तो सर जैसे ये फार्म अभी जैसे अपन ने बनाया तो मतलब ये कितने बीघा में बनाया टोटल? ये अभी लगभग अपने पास 4 बीघा के करीब जगह है। अच्छा, 4 बीघा, और ये अभी एक सिविल किया तो एक साइड से काम करना स्टार्ट किया है। अच्छा, धीरे धीरे आप उसके तो मतलब जमीन खरीद के फिर जमीन खरीद टोटल सब अपना करके ही किया? तो कब करीब आपने अभी मतलब जैसे इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल अभी तक? अभी लैंड से अलावा शायद मुझे लगता है 45 लाख के करीब मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और घोड़े में कितना इन्वेस्ट किया? घोड़ा तो मैंने ज्यादातर मेरे पास अपने पहले से थे। अच्छा, स्टेबल बनाने के पहले। अच्छा, तो वैसे मतलब इनका क्या डाइट प्लान वगैरह रहता है पहले वहाँ आपका मौसम और चारा सब अलग है तो यहाँ पहले हम लोग तो वहाँ पे भूसके चारे पे रखते थे। अच्छा, चोकर हो गया उसका चारा हो गया, तो यहाँ आने के बाद यहाँ मौसम भी चेंज हुआ है तो यहाँ धीरे धीरे कुछ अपना वो चलाते रहे पहले रिज का, और धीरे धीरे अब यहाँ पे मूँगफली के चारे पे। अच्छा, सेट हो गए वैसे? अभी सेट है कोई। करीब कितना टाइम हो गया है यहाँ आए अपने को? घोड़े तो इसी 19 तारीख में आए लास्ट में। अच्छा, मतलब महीना भर लमसम तो। तो मगर यहाँ के वातावरण में वैसे सेट हो जाते क्योंकि ठंडा मौसम है यहाँ पे, कोई दिक्कत आई नहीं, यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। हाँ, और ज़्यादा बारिश भी नहीं होती और सर्दी भी ज़्यादा नहीं, मौसम मेवाड़ का अच्छा है। अच्छा है, घोड़ों के अनुकूल है। सही है सही है। तो भी स्टाफ वैसे आप कितना है अपने पास लगभग? अपने पास 4 स्टाफ है। अच्छा, ये चारों जो बंदे खड़े हैं ये चारों यहीं पे हैं। अच्छा,
और जब से देवधन लिया है शायद तभी से ये लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये शौक तो इनको भी है, घोड़ों का ही छोटे से अपने से करना शुरू हुआ। अच्छा, जैसे एक छोटा बच्चा है ये अपना जब भी फ्री होए, जी जी, जब आगे जब अपना साथ में आगे घोड़ों में घूम रहा है। अच्छा अच्छा, तो शौक भी चल रहा है और अपना ये भी है, बाकी ये लोग परमानेंट है सब अपने। अच्छा, मतलब अभी सब नए युवा की है, मतलब पुराना बंदा नहीं है, बाकी नॉलेज इनको काफी सारा है, नॉलेज साथ में रह के जो करते जानकारी है, और घोड़े भी इनको जान गए, सही है, घोड़े को जान गए तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट सबको पता। जी जी जी, घोड़े को जानना बहुत जरूरी है अगर, और अच्छी मेहनत करते हैं आज। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि और बड़ा बने फार्म, इससे चार गुना फार्म बने। ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए, थैंक यू।